हाँ जी फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया हो? आज तो इतनी ठंड है ना, बहुत ज्यादा। मेरी टांगे जो कांप रही है, मैं नीचे बैठी हूँ। और क्या कहते हैं, लेकिन ये सूट जो है लोकल है किसी का, और वो मांग रहे हैं कि सूट। आज भी मैंने कोई बहाना लगा दिया कि मेरे से बना नहीं, मुझे ठंड बहुत लग रही है। लेकिन फिर अब देना तो है ही। ये उन्होंने एक दुपट्टा दिया है चनून का, उसके वाला डिजाइन है ना, ये लोकल है किसी का जैसे। और वो फूल जो है ना, मैंने थोड़ा बहुत बनाया था, फिर मैं दुपट्टा उधर अड्डे पे लगा हुआ है वो देखो, वो किसी का दुपट्टा वो बनाने लग गई फिर। और ये थोड़ा सा ना मतलब सिंथेटिक कपड़ा है, इस पे फैल रहा था डिजाइन, तो एक बार मैंने इसको, और लाइट भी नहीं है आज, इन्वर्टर वाली लाइट थोड़ी बहुत जगा रखी है मैंने, बहुत अंधेरा हो गया है। अब ये गुलाब मैंने शुरू किया था, फिर मेरा मन नहीं किया। कई बार किसी डिजाइन पर ना मन नहीं करता काम करने को, और अब ये मैं पता क्या, मन से ही काम करती हूँ। जब मेरा मन नहीं कर रहा हो ना, तो मैं उस काम को छोड़ देती हूँ। फिर मैंने जैसे वो दुपट्टा लगा लिया है ना, क्यों, फिर मैं इजी काम कर लेती हूँ। ये जैसे डिफिकल्ट तो मुझे कुछ भी काम नहीं लगता। मतलब कहने का मतलब ये सेम दुपट्टे जैसा बनना जरूरी है। जैसे वो दुपट्टे पे तो डिजाइन थोड़ा बहुत 19-20 इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, और ये जैसा दुपट्टे में डिजाइन दिख रहा है एज इट इज, हमें वैसा ही दिखेगा, तभी ये दुपट्टे से मिलेगा ना सूट। तो जो इस तरह का जब कंसंट्रेशन से बनने वाला डिजाइन होता है, फिर मैं उसको एक बार छोड़ देती हूँ। अब देखो बिल्कुल सेम तो बनने को तो बन जाएगा, पर उतनी मेहनत कोई देता भी नहीं, और इतनी मेहनत कोई करवाता भी नहीं है ना। बस उनको तो ये है भी इसके साथ दुपट्टा मैच हो जाए। तो मैं ये देखो ये बना रही हूँ, रोज जैसा दुपट्टे में बना है उससे मिलता जुलता कुछ बन जाएगा। ये एक प्रॉब्लम ये है कि इस ये जो कपड़ा है वो सिंथेटिक है, जो बिल्कुल ही हल्की क्रेप होती है ना, वो है ये सेमी क्रेप। और इस पर जो है ना फैब्रिक कलर चलते नहीं है। पहले मैंने फैब्रिक कलर से एक कोट किया, और वो इतने पतले होते हैं ना फैब्रिक कलर, वो इस पर सब फैलने लग गए। और मैं कैमल वगैरह कलर अब यूज करती नहीं हूँ अक्रैलिक, फिर मुझे वो अपने हस्बैंड से बोलकर वो मंगवाने पड़े कि क्योंकि फिर ये होगा नहीं, वो कलर इस पे चल नहीं रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने उसके ऊपर एक एक कोट ये करके इसको जो है सेट किया। कई बार किसी कपड़े पर वो कलर नहीं चलते। अब मैं सिर्फ 3 कलर इस्तेमाल कर रही हूं, कभी मैं येलो कलर ले लेती हूँ, कभी व्हाइट, और कभी रेड। इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ शुरू कर रहे हैं फूल, ठीक है। और आप देखो आज मेरा मन कर गया कि चलो अब वो दुपट्टा कंप्लीट हो गया, उस साइड रेड वाला, जितने में वो सूखेगा उतने में हम ये डिजाइन इधर बना लेंगे। फिर वो अगला दुपट्टा लगा देंगे। अब मैं इसको धीरे धीरे से बनाती जाऊंगी, और आप देखते रहो जैसे जैसे मुझे दुपट्टे में दिख रहा है, जहां व्हाइट दिख रहा है वहां व्हाइट करते रहो, जहां रेड दिखता है तो फिर मैं रेड में डाल देती हूँ ब्रश। और बिना पानी के ये डिजाइन बना रही हूं मैं, क्योंकि ये कपड़े पर जो है ना बहुत फैलता है पानी। बस ब्रश मेरा गीला है ताकि ब्रश चल सके, लेकिन पानी मैं यूज नहीं कर रही हूं। ओके, धीरे धीरे इसका जो है 50% फूल बन जाएगा, और बाकी का जो 50% है वो मैं सूखने के बाद करूंगी। इस तरह से इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे, ठीक है। और सर्दियों में बारिश आ जाए तो फिर कितनी ठंड सी बढ़ जाती है ना। अगर कमरे में चले जाओ तो ऐसे लगता है कि रजाई में सो ही जाओ।
अगर आलस कर लो फिर आलस आता रहता है, अगर लगे रहो काम करने में फिर लगे रहो। भूख ज्यादा लगती है सर्दियों में और काम करने को कम मन करता है ना। ना ज्यादा गर्मी अच्छी होती है और ना ज्यादा सर्दी। ज्यादा गर्मी में अब पेंटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पंखा चलाओ तो सूखने लग जाते हैं कलर, बंद करो तो पसीना आने लग जाता है, मच्छर खाने लग जाते हैं। एक जैसा मौसम रहना चाहिए बस। अब इसके जो बीचों बीच है, बीचों बीच पहले इसकी शेप पूरी ऐसे बना लेते हैं। ये जो शेप है इसमें एक बार तो सारा ऐसे सेम टू सेम कलर बन देंगे। और ये ग्रे मैंने साइडों में इसलिए किया है क्योंकि जो इसका दुपट्टा है ना वो साइडों में तो पीच कलर है उसका और बीच में ग्रे कलर है, तो अगर मैं ऐसे ही बिना ग्रे कलर करे ही फूल बना देती तो वो दुपट्टे से इतना मैच नहीं करता, तो फिर वो वाला जो लुक है ना वो भी देना पड़ेगा। अब जो ये बीच बीच में इस तरह से वो डिजाइनिंग जो रोज का होता है ना उसके लिए पहले मैं येलो कलर यूज कर रही हूं, फिर उसके बाद व्हाइट कलर यूज करूंगी। देखो थोड़ा बहुत 19-20 का तो अंतर होगा ही, एक मशीनी फूल बना है और एक हाथ से हम बना रहे हैं। व्हाइट कलर और जो ये सारे फूल बने हैं वो भी देखो, बिना मन के कुछ भी काम नहीं होता और मन से करो तो बढ़िया है, अच्छा भी होता है, सफाई से भी होता है। पेंटिंग भी वैसे ही है, अगर मैं नहीं मन ना मेरा तो मैं बैठी रहती हूँ, नहीं करती कुछ भी, फिर मैं घर के काम कुछ कर लेती हूँ, जैसे कोई भी घर के काम फटाफट निपटा लेती हूँ, चलो ये नहीं तो फिर वो सही। जैसे अगर कोई कपड़ा प्रेस करने वाला पड़ा है तो वो कर लेती हूँ फटाफट, कपड़े तह लगाने वाले पड़े हैं तो वो लगा लेती हूँ, अगर कोई भी घर का काम है वो कर लेती हूँ, ताकि जब तक मेरा माइंड अगर इस तरफ हो गया पेंटिंग की तरफ, मेरा मन कर गया तो तब कर लूंगी। अब जो ये जो रोजेज है ना, पहले मैंने इसमें लाइट लाइट ऐसे किए थे और वो कपड़े के अंदर ही ऑब्जर्व हो गया कलर। अब इसको ये सेकंड बार वो करके टच, और यहाँ बीच बीच में ब्लैक भी यूज करेंगे, हल्का ब्लैक यूज करना है, ज्यादा ब्लैक नहीं, मेहरून सा जैसे मतलब टच। ब्लैक कलर तो थोड़ा सा भी लग जाए ना तो भी वो ब्लैक ही हो जाता है सारा। इसको सारा निकाल के ना ब्लैक कलर, इसमें तो कोई ब्लैक कलर यूज नहीं हुआ है।
लाइट आ गई है, सुबह की लाइट गई हुई है। अब आई है लाइट, अब फिर गई है। दो मिनट के लिए आई। अब इसको ब्लैक कलर जैसे ज्यादा लग गया था ना मेरे से, अब इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्सिंग सी कर देंगे जहां जहां एक्स्ट्रा लग गया था। ओके फ्रेंड्स, और ये जो रोज है इसे धीरे धीरे से हम, अब देखो जो ये वाला रोज है वो ये यहां पर भी ऐसा ही बनाना है। तो लगभग वैसा बनता जा रहा है ना जैसा दुपट्टे में है, मतलब सेम तो नहीं बन रहा, लेकिन इतना है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो दूर से लगेगा कि हाँ ये दुपट्टे के साथ का डिजाइन है। थोड़ा थोड़ा मिलेगा डिजाइन से ना। इस तरह से अब इसमें डंडियां इस तरह से बारी बारी से डंडियां बनाएंगे। बिल्कुल ना के बराबर ग्रीन कलर यूज हुआ है दुपट्टे में, बाकी तो सारा ये रेड वगैरह और इन कलर्स का ही जो है ना काम है सारा। अब मैं इस ब्रश को एक सेकंड के लिए रख के अब इसमें जो काला ब्लैक कलर है और थोड़ा सा रेड मिक्स सा कलर है पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए ब्रश में। इस तरह से इसके बीचों बीच जो है ना ये लीव्स बना देंगे। इसमें ना पानी ये इतना ज्यादा फैलता है ना, इस पे पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप इसमें बारीक बारीक जो भी कहीं से आउटलाइन दिखती है ना फूल में जैसे, वो करेंगे। एक सीधी गोल आउटलाइन यहां दिख रही है, ये देखो ये आउटलाइन दिख रही है एक मुझे, एक यहां पर आउटलाइन दिख रही है जहां जहां। अब वो जो इसके फाइनल टच दिख रहे हैं वो हम बनाएंगे। जिससे कि धीरे धीरे ये उभर कर गुलाब सामने आएगा। जहां जहां भी आउटलाइन शो होती है वहां। अब इस आउटलाइन को हल्का हल्का सा मिक्स कर देंगे ताकि ये शो ना हो इतनी ज्यादा। अच्छी तरह से पानी में से कलर निकाल के, और जो भी हमने आउटलाइन की है उसके पास पास जो है ना व्हाइट कलर करना है। जिससे वो जो आउटलाइन है वो और भी ज्यादा हाईलाइट हो जाएगी। ये
व्हाइट कलर अच्छे तरह से ब्रश से निकाल, जो पहले का कलर है व्हाइट कलर लगाने से पहले वो अच्छे से निकाल लेना है। जैसे इसके अंदर जो ब्लैक कलर है एज इट इज, इसको हल्का हल्का ऐसे मिक्सिंग कर देंगे। आउटलाइन दिखनी भी चाहिए और बहुत ज्यादा क्लियर भी नहीं, हल्का हल्का उसको मध्यम सा कर देंगे। अब जैसे जैसे ये जो हमने किया ना, इसके ऊपर ऐसे अब व्हाइट व्हाइट कलर से हाइलाइट्स करेंगे इसको। इस तरह से अब इसके पास पास ना यहां यहां पे व्हाइट कलर कर दिया, यहां व्हाइट कलर कर दिया, इसे हाईलाइट कर देंगे कहीं कहीं। आप देखो यहां ये फैल चुका है, यहां फैल चुका है, इस चीज का थोड़ा ध्यान देना। हम तो यहां अब कुछ ना कुछ ऐसा बनाएंगे जिसकी उसको एक बार ऐसे ही छोड़ देंगे, वहां पे कोई लिप वगैरह बना के उसको सेट कर देंगे। ये देखो अब लगभग रोज का जो है ना लुक ले रहा है धीरे धीरे, और कहीं कहीं जो है ना डार्कनेस भी शो करेंगे। जहां मतलब व्हाइटनेस ही ज्यादा हो जाती है तो इस तरह से इसको अब यहां व्हाइट का हाई टच दे दिया। और एक मैंने ऊपर एक फूल बना के रखा है, ये देखो इसकी थोड़ी बहुत मतलब एक कोट तो मैंने किया था, और अब इसका जो है ना फाइनल टच करना है। वो मैं कैसे करती हूँ वो देखो आप अब इसको ध्यान से देख लो। अब मैं इस दुपट्टे में से देख रही हूँ थोड़ा सा, और वहां वहां इसको टच करेंगे, वहां वहां पहले जो लाइनें लगाई है ना मैंने उस पर ये लाइनें रिपीट कर रही हूं मैं, थोड़ा सा मतलब हाइलाइट्स हो जाएगा ये डिजाइन ना। ये देखो फिर उसके सेंटर में बीचों बीच मैं येलो कलर कर दूंगी। जो भी मेरा ये देख रहे हैं वीडियो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरा हौसला बढ़ाएं और मुझे इस तरह से ही वीडियोस बनाने का मन करता रहे। अब बीच में मेरा मन थोड़ा कम हो गया वीडियो बनाने का, क्योंकि जितनी मैं आपको अच्छे से सिखाती हूँ उतना कोई लाइक नहीं करता और शेयर नहीं करते। और ये वीडियो में मैं देखूंगी कि कितने लाइक और शेयर आए हैं मुझे। जैसे ही आपको याद भूल गया हो अब मेरी बात सुन के सारे काम छोड़ के प्लीज लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि हमने लाइक कर दिया है। ओके, मुझे पता तो लगना चाहिए ना कौन कौन मेरी वीडियो को लाइक करता है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करवाओ जो जो आपके रिलेटिव्स हैं उनसे। ओके फ्रेंड्स, और मुझे मैसेज जरूर करना कि किसने किसने लाइक किया, कमेंट करके बताना। ओके, अब बीचों बीच जो येलो कलर लगा हुआ है ना उसके बीचों बीच सेंटर में थोड़ा सा व्हाइट कलर करूंगी मैं, कि यहां पर, और साइडों पे तो येलो है ही। अब येलो कलर लेकर
इस येलो पर ही डॉट लगाने हैं, क्योंकि जो पहले येलो किया था वो रेड कलर से मिक्स होकर हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब इस पर येलो डॉट लगा देंगे सारी जगह। अच्छी तरह इसको फिल कर देंगे डॉट लगाकर ना। ये देखो ओके। अब बीचों बीच ग्रीन कलर लेकर अब बस मैं इसको सारी को लिप्स के साथ फिल कर दूंगी बाद में इस तरह से। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर थोड़ा सा ये डार्क ग्रीन है, ये थोड़ा डार्क कर दिया मैंने ओके। अब छोटी छोटी यहाँ लिप्स सारी ब्लैक ग्रे वो बना दूंगी जिससे कि ये सेम इसकी तरह टच हो जाए ओके। जैसे अब ये ग्रेज बनी है पत्तियां, ये मैंने यहाँ कुछ बना के रखी है उसके अंदर ऐसे बारीक इस तरह से लाइनें लगा दूंगी है ना। इसको इस तरह से फिल कर दूंगी सारा जो लगेगा कि भी हाँ ये दुपट्टे के साथ मैच हो चुका है। जैसे इस तरह मैं इसको धीरे धीरे, ये दो फूल आपको बता दिए, ये भी लगभग ऐसा ही है फूल ओके। और मैं आपको ये दुपट्टा जो है ये नीचे पड़ा है, ये देखो ये इसमें से देखकर ये बना रही हूँ ओके। फ्रेंड्स बाय बाय, सी यू।